ये फिश मिंट है और मैं इसको स्मेल करके बताने वाली हूँ, रिएक्ट करने वाली हूँ इसके स्मेल पे. It was at this moment that he knew he fucked up. एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. आज है 17th ऑफ दिसंबर और आज हम जा रहे हैं लाल कुआं, सेंचुरी पेपर मिल और सी मैप नगला विजिट करने. तो मैं पिछले लास्ट दो दिन नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी बस आ गई है. मैं घर पे ब्लॉग करना भूल गई क्योंकि मैं लेट हो गई थी. तो अब मैं बस में चढ़ती हूँ और मिलती हूँ लाल कुआं में. वी हैव रीच्ड. बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं. तो यहाँ पे फोटोग्राफी फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो विजिट के बाद ही मिलेंगे अब. 12 seconds later. तो जी हमारी विजिट कंप्लीट हो गई है यहाँ सेंचुरी पर्पल पेपर की. बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब सिर्फ पेपर ही नहीं बट और भी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर. और मज़ा आया, मतलब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं फ़ोन चुपके से ले जा लेती और वीडियो थोड़ा बहुत बना लेती, बट वो नहीं हो पाया. तो अब सी मैप जा रहे हैं हम, वहाँ पर पहुँच के अगर अलाउड होगी तो. प्रेजेंट मैम. तो वहाँ पर अगर अलाउड होता है तो मैं वहाँ की कुछ शॉट्स दिखाऊंगा. अब यहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे हम लोग. इस नेचर पार्क टेंशन है, मतलब ये हाइपर टेंशन क्योर करता है. ओके नाइस नाइस, मतलब रेगुलेट. बढ़िया हाइपर टेंशन. वो आकर कर रहा है, वो ऐसे दिखते नहीं, वो आकर कर रहा है. फोटो में दे सकते हैं. इसमें हमारी वैरायटी भी है और ये सिम जागृति इसकी वैरायटी हमारी. और ये जो है मेमोरी टॉनिक में यूज होता है. ये हो गया, ये मशरूम पानी हो गई सेंट्रल एशियाटिका. ये दोनों मेमोरी टॉनिक में यूज होते हैं. एक और है अपराजिता बोलते हैं, वो भी मेमोरी टॉनिक में यूज होती है. उसको सब कुछ भी बोलते हैं. अभी उधर दिखाएंगे आपको. क्या सीख रही हो आप यहाँ पर, क्या सीख रही हो? यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स देख रही हूँ और मुझे यहाँ पे एक ड्रम भी मिला जो मेमोरी टॉनिक है. मैं चाहती हूँ इस चीज़ को हम सब बच्चों को कंज्यूम करना चाहिए. क्या हम ये ब्रह्मी को घर तक याद रख पाएंगे? फिर वही है मेमोरी, इसलिए तो हमें मेमोरी टॉनिक चाहिए. अभी तक क्या सीखा? अभी तक जो मेरे काम का था, मैंने देखा कि नेचुरल स्वीटनर्स यूज इंस्टेड ऑफ शुगर, यू नो, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. तो दिस इज सिंदूरी प्लांट, बट इससे सिंदूर नहीं बनता है, डाई बनती है सिंदूरी कलर की. तो ये बेसिकली हमारी सेकेंड लास्ट डे है विजिट का और कल हमारा लास्ट डे होगा. और मंडे को हमारी रिव्यू मीटिंग हुई. काश मैं, मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं पेपर मिल में, सेंचुरी पेपर मिल में अपना फ़ोन लेके गई होती तो मैं बहुत ऑसम शॉट्स ले पाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लियरली पेपर बनता हुआ दिख रहा था. रोल्स थे जो बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक रोल्स थे, पेपर रोल्स थे, और फिर उनसे कैसे कट के छोटा पेपर बन रहा था और कैसे पैकेजिंग हो रही थी, वो सब कुछ था. बट वही था, मैं फ़ोन बस में छोड़ गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. बट यस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक लगा. बस मेरी आँख में बहुत सारा पता नहीं क्या क्या उड़ के पल पल जा रहा था, बहुत उड़ रहा था वो, तो उससे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत हो रही थी. तो ये आज की लास्ट विजिट है और या बस ये विज़िट ऐसी चल रही है, अब ख़त्म होती है तो मिलती हूँ. नो इफ यू कैन सी और नॉट.
बट मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही हूँ। यहाँ पर एक क्रिकेट है, दिख रहा है ये फिशमेंट है और मैं इसको स्मेल करके बताने वाली हूँ, रिएक्ट करने वाली हूँ उसके स्मेल पे। It was at this moment that he knew he fucked up. हम जा रहे हैं देखने की परफ्यूम बनता कैसे है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है परफ्यूम का, वो भी वहाँ पे, वहाँ देखने जा रहे हैं। बॉयलर्स हैं यहाँ पर, मतलब मेरे को तो स्मेल आ रही है, ऑब्वियसली वीडियो में तो नहीं आ रही होगी, बट अलग अलग चीज़ों की स्मेल आ रही है, जैसे जिनका भी एजेंसी भी एक्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पर। जिस प्रोसेस से, मतलब इससे जो इसका परफ्यूम वाला पिगमेंट है, स्मेल वाला, वो सेपरेट होता है, वो डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट होता है, मतलब बॉयल करते रहते हैं और फिर डिस्टिलेशन के थ्रू इसका परफ्यूम वाला पिगमेंट सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग देखते बताते हैं। मतलब यही है कुछ मैम देख रही हूँ मुझे तो यही इसका जो पिगमेंट है वो ऐसे सेपरेट होता है। अभी तो हम देखते ही जाना है, अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। सी मैप से धुआं निकलता हुआ, काला धुआं निकलता हुआ। ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन सिमरन। और कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना काला धुआं लगा जितने काटते गए। स्मॉल यूनिट है, पहले लेफ्ट हुआ फिर इसके बाद। हाँ, ये इसका क्या, हम बायोफ्यूल बनाते हैं ना? नहीं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। दे यूज इट एज अ फ्यूल। आगे की क्या प्रोसेसिंग है, मतलब हो गया जो इसी में, जो इस चेंबर में जो रहा था वो हो गया सब? इस चेंबर में सोचा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है लेफ्ट ओवर, इसको यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस, इस यूनिट। ये डिस्टिलेशन के बाद सेपरेशन हो गया है, मतलब सारा परफ्यूम वगैरह निकल गया, एक्सट्रैक्ट है, ये अलग हो रहा है। इसको अब यहाँ से लेके यहाँ पर डाल देंगे। नाउ हम जा रहे हैं लैब में देखने प्रोसेस, और ये फर्स्ट फ्लोर से यहाँ का व्यू है सी मैप का, जिसमें वो सेपरेट हुआ हुआ जा रहा था ना मैटर, वो ट्रॉली पलट गया, वो देखो यहाँ पे सब गिर गया, यहाँ पर ये गिर गया सब कुछ, ट्रॉली पलट गई, उसको सीधा कर रहे हैं। मतलब पलट के गया, शायद पलटा है या पलट गया है, क्या हुआ आई डोंट नो, बट हाँ तब गिर गया सब। अब वो इतना गर्म है कि उसको उठा नहीं सकते, तो अब ये यहीं पड़ा रहेगा और यहीं पे सूखेगा, जब वो ठंडा होगा फिर उसको उठा के वहीं पीछे फेंका जाएगा। सब कुछ देख लिया है और अब बस एक फ़ोटो क्लिक कराएंगे पूरे बैच के साथ और वापस चलेंगे। सब कुछ देख लिया है और अब बस एक फ़ोटो क्लिक कराएंगे पूरे बैच के साथ और वापस चलेंगे। तो फ़ोटो वोटो खिंचवा के और मैं घर पहुंच गई हूँ, मतलब आ गए थे वहाँ से वापस, फ़ोन बंद कर दिया था मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही, कभी भी आ सकती है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।